सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जो प्रीव्यू देखा है ना, तो कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। सो गाइज, ये जो वीडियो है ना, ये जो स्टेटस है ना, बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आप भी कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो शायरी वाला अपनी इमेजेस लगा कर, तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक वॉच करते रहना। सो गाइज, सबसे पहले आपने यहाँ पे अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और एक आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो दोनों एप्लीकेशन को आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और अलाइट मोशन का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर वहां से आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने वहां पर उस मैसेज को पिन कर दिया और पिक्सल ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस, कुछ आपको मटेरियल्स भी मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक आपको यहां पर देख सकते हो बीट मार प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसको इंपोर्ट कर लेना है, और एक आपको HDR इफेक्ट मिल जाएगा, इसको इंपोर्ट कर लेना। इन दोनों मटेरियल्स को आज एक एक करके इंपोर्ट कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है गाइस। और गाइज, अगर आपको नहीं पता है कि हमारे बीटमार प्रोजेक्ट या शेक इफेक्ट XML फाइल को कैसे इंपोर्ट करना होता है अलाइट मोशन में, या जो भी मटेरियल्स मैं देता हूँ उसको कैसे डाउनलोड करना है, तो उसके ऊपर भी एक फुल वीडियो बनाकर रखा हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो गाइज, यहाँ पर आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हम बैक हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको सेम टू सेम ऐसे छोड़ देना है और यहाँ से बैक होकर हमने सिंपली आ जाना है उस पर, मतलब पिक्सल लैब ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पिक्सल लैब ऐप में आ जाता हूं और यहां पर आपको सिंपली कैंसिल कर लेना है। साइज आप यहां पर ये भी स्क्वायर वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो, या 3 डॉट पे क्लिक करके यहां पे इमेज साइज पे आकर जो भी आपको साइज सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर मैं स्क्वायर वाला ही छोड़ देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो गाइस, न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन में आपने क्लिक कर लेना है और यहां पर एक ही ऑप्शन में आओगे तो यहां पर टेक्स्ट के ऑप्शन में यानी एडिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इसको डिलीट कर लीजिएगा। अब गाइस, जो भी आपने शायरी लिखना है ना, सिंपली आपने यहां पर लिख लेना है, ठीक है। नहीं तो गाइज, आपको ने कुछ लिंक यानी कि कुछ आपको मिल जाएगा सारी जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी आप सिंपली वहां पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हो अलाइट मोशन में। लेकिन गाइज, अगर आप बनाना चाहते हो तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा और सारी आपको पता है कि गूगल पर बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो यहां से मैंने गूगल से एक पहले से सारी को मैंने यहां पर डाउनलोड करके रखा हुआ, यानी कि कॉपी करके रखा हुआ, पेस्ट कर दिया हूं। अब ओके कर लेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखो, इतना करने के बाद पहले तो भाई इसकी साइज को हम छोटा करते हैं, कुछ इस तरह से आपने कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से यहाँ पे एडिट के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और यहाँ पर 2-3 हम डॉट डाल देंगे और आगे हम यहाँ पर कुछ इस तरह से देख सकते हो ये वाला पैराग्राफ डाल देते। पहले तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 2 यहाँ पे कर देना है और फिर गाइस यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर इमोजी के ऑप्शन में आके हार्ट डाल दूंगा और यहाँ पर इसको डाल दूंगा और यहाँ पर 100% डाल देंगे। तो कुछ ये सेटिंग्स करना है और यहाँ पर फिलहाल के लिए डन कर लेंगे। इतना करके आपको डन कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर के ऑप्शन में आकर ब्लैक कलर को ऐड कर लेना है और उसके बाद में गाइस यहां पर आपको फॉन्ट के ऑप्शन में आना है, यानी कि ए बी फॉन्ट लिखा इस पे आना है, ठीक है। इस पे आने के बाद में देखो, यहां पर मैं माय फॉन्ट्स में जाऊंगा, एक फॉन्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस फॉन्ट को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और ऐड कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है ऐड कैसे करते हैं तो गाइस यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, सिंपली आप देख लीजिएगा। यहां पर बस कुछ नहीं करना था, यहां पर फाइल मैनेजर में जाना है, जहां भी फॉन्ट आपने डाउनलोड करके रखा होगा सिलेक्ट कर लेना है और यहां पर ऐड डायरेक्टरी के ऑप्शन में क्लिक करके उस फॉन्ट को ऐड कर लेना, कुछ नहीं और ज्यादा करना होता है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो गाइस, यहां पे SR बोल्ड कुछ ऐसे नाम का गाइस यहां पे इस फॉन्ट का नेम है, तो यहां पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और डन पे क्लिक कर लिया, यानी कि ओके पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस यहां पर मैं चाहता हूं ना ऐसे हो, तो यहां पर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हो चुका है और यहां पे AB फॉन्ट में फिर आएंगे, ठीक है। यहां पे आने के बाद में गाइस सॉरी, यहां पे कलर वाले ऑप्शन में फिर से आएंगे, सॉरी गाइस यहां पे फॉन्ट वाले पे ही आना है, ठीक है सॉरी। तो यहां पे फॉन्ट वाले ऑप्शन में फिर आएंगे, तो जो हमारा इमोजी है ना गाइस उतना ही सिलेक्ट करना है और यहां पर माय फॉन्ट में फिर जाएंगे और यहां पे एक फॉन्ट और ऐड कर लेना जिसका नाम है iOS। तो इस फॉन्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसको आपने ये 3 जो इमोजी और हमारी जो 100% लिखा है वो और हार्ट वाली इमोजी, इसको बस आपने सिलेक्ट करके इस iOS वाले फॉन्ट पे क्लिक कर लेना है। तो देखो कुछ इस तरह से डिजाइन इसका चेंज होएगा, ओके कर लेना है। अब इतना करने के बाद में गाइस यहां पे इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कर लेना है, सेव के ऑप्शन में क्लिक करके सेव एज में आ जाना है, डिफॉल्ट में आके हाई वेरी हाई पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर लेना है, सेव टू गैलरी में। यहां पर हमारा इतना काम हो चुका है। अभी यहां पर अपनी अलाइट मोशन
की फोल्डर में आ जाएंगे उसी में। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया की सॉरी यहाँ पे इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है, प्लस के क्लिक करके यहाँ पे इस शेप को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एडिट शेप में आ जाना है गाइस, ठीक है। अब देखो आपको कुछ इस तरह से ना इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा करना होगा, तो यहाँ पर मैंने जितना किया था यहाँ पे 489 किया था, तो इसको मैं 489 कर लेता हूँ, ठीक है। और नीचे में मैंने यहाँ पे 516 के अप्रोक्स किया था, तो इसको मैं 516 के अप्रोक्स कर लेता हूँ गाइज, ठीक है, इतना कर देते हैं, ठीक है। और राउंडनेस गाइज मैंने ज़्यादा नहीं किया था यहाँ पे, तो मैं राउंडनेस यहाँ पर देखो 50 के अप्रोक्स कर लूँगा या 52 कर लेता हूँ, 53 कर लेता हूँ और डन कर लेंगे। और इसको ऊपर ले जाकर कुछ इस तरह से फिलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है, इतना करके छोड़ देना है। साइज अपने आप हिसाब से छोटा बड़ा करके यहाँ पर डन कर लीजिएगा। अब इसकी ड्यूरेशन का पहले तो आपने क्लिक करके एंड तक कर लेना होगा, उसके बाद में गाइज यहाँ पर फिर से प्लस पर क्लिक कर लीजिएगा। मीडिया में आके गाइज यहाँ पर सिंपली गैलरी में आकर अपनी इमेज को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, तो इमेज को ऐड करके इसकी ड्यूरेशन को हमने एंड तक कर लेना है। अभी इमेज को टैप करके नीचे ले जाकर छोड़ना है और यहाँ पर ऊपर जो हमने इमेज अभी जो ऐड किया था गाइज उसको सिलेक्ट कर लेना है और ये शेप को अलाइट सिलेक्ट कर लेना है। शेप को दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, तो कुछ इस तरह से ग्रुप बन जाएगा, तो उस पर ग्रुप पर क्लिक करके एडिट ग्रुप में आना है। अब इमेज को क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इसमें फिक्स करना होगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से आपको इसमें फिक्स करके डन कर लेना होगा। इतना करने के बाद में गाइस ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक करके बॉर्डर इन शैडो में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके इनेबल कर लीजिएगा और थोड़ा सा गाइस यहाँ पर इंक्रीज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर इस पर एक यानी इस पर एक इफेक्ट ऐड करेंगे, तो इफेक्ट पर क्लिक करके इफेक्ट में आएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे ओसिलेट कुछ ऐसे नाम के गाइस इफेक्ट है, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना देखो सर्च करके और स्टैंड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। बस यहां पर आपने एंगल वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहां पे एंगल में आपने -90 कर लेना है, ठीक है, -90 डिग्री इसको कर देते हैं। तो यहां पर गाइस मैं ज्यादा नहीं इसको मतलब की जो करूंगा, बस ओनली हमने -90 डिग्री यहां पे कर लेना है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और इसको गाइस आपको बिल्कुल कम कर लेना है। यहां पर मैं 0.10 किया था, तो यहां पर 0.10 कर लेंगे। देखो आपकी फोटो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे की तरफ मूव होगा, इतना कर लेना है। इतना करने के बाद में फिर से गाइस यहां पर हमने क्या प्लस पे क्लिक करके मीडिया की ऑप्शन में आ जाएंगे और अपने पिक्सल लैब की फोल्डर में आके यहां पर शायरी को मैं ऐड कर लूंगा और यहां पर नीचे ऐड कर लेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके अपनी शायरी को यहां पर बीच में फिक्स कर लीजिएगा जहां भी करना चाहते हो बीच में, और यहां पर इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर लेना है। फिर प्लस पर क्लिक कर लेना है, मीडिया के ऑप्शन में आ जाना है और यहां पर गाइस सिंपली हमने क्या करना है अपनी इंस्टाग्राम की लोगो को ऐड कर लेना है। इंस्टाग्राम की लोगो भी गाइस आप बना सकते हो पिक्सल लैब से ही, तो गाइस सिंपली कुछ इस तरह से अपने चैनल का नेम यानी कि जो भी आपका इंस्टाग्राम का होगा लिख लेना है और यहां पे इसकी ड्यूरेशन को भी हमने एंड तक कर लेना होगा, ओके। इतना करने के बाद फिर से प्लस पे क्लिक करके एक शेप को ऐड कर लीजिएगा नॉर्मल, 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है, इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर लेना है। कलर एंड फिल के ऑप्शन में आकर ब्लैक कलर ऐड कर लेना, इफेक्ट में आकर इफेक्ट पे क्लिक करके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और सिंपल स्टार्ट फील्ड को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना। बस जेड के ऑप्शन में आ जाना है, एक स्टार्टिंग में प्लस की ऑप्शन लगा देना, एक एंड में प्लस की ऑप्शन लगा देना, पोजीशन को कुछ इस तरह से आपने 200 से 300 बढ़ा लेना है। बैक होकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर लाइटन में आकर स्क्रीन की ऑप्शन को इनेबल कर लीजिएगा। इतना काम गाइस यहाँ पर हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, बैक हो जाएंगे और बैक होकर हम यहाँ पे इस कर्ल HDR इफेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 HDR इफेक्ट मिलेगा, तो प्लस में क्लिक करके सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है, चारों को सिलेक्ट तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और इसी प्लस पर क्लिक करके कॉपी 3 लेयर कर लेना है और अपने उसी बीट मार्क में आके प्लस में आके पेस्ट 3 लेयर कर लेना है। अभी गाइस देखो आपकी इसको ड्यूरेशन को अपनी एंड तक कर लेना, मैंने पहले से एंड तक करके रखा हुआ था इसलिए हो गया। अब जैसे कि आज वीडियो को प्ले करोगे तो यहां पर एक कमाल सी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली गाइस यहां पर शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लीजिएगा। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।